नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार नागपुर महाराष्ट्र से बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल लर्निंग के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोफ्लॉक से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे चैनल में मैं जो हूँ लाता रहता हूँ दोस्तों। और काफ़ी मैंने लाइव वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो जो है बना रखे हैं, और जो भी मेरे भाई इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं वो चैनल पर क्लिक करके जो है वीडियो को, मेरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बनाए हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। और किसी भी किस्म का अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है बायोफ्लॉक को करने में, तो मैं स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, उस व्हाट्सअप नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जो भी मेरे भाई लाइवली इसे सीखना चाहते हैं, जो बायोफ्लॉक को लेके सीरियस है और बायोफ्लॉक का जो है प्रैक्टिकली वो लर्न करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको एक डेट दिख रही होंगी दोस्तों, उस डेट में आके जो है वो सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली बायोफ्लॉक को सीख सकते हैं। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वो स्टेप्स मैं उसमें बताता हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज मैं एक और जुगाड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, और वो जुगाड़ है दोस्तों, काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट्स किया है कि सर आपके फिशेस का जो है वेट क्या है। और मैंने उनको बोला है कि दोस्त अभी तक के जो है मेरा नेट का जो है कैचिंग नेट का जुगाड़ नहीं हुआ है, और मैंने एक बार बनाया था उसे लेकिन वो सही तरीके से वर्क नहीं किया, तो इसलिए उसका वीडियो भी मैंने नहीं बनाया है। तो आज मैं एक और जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है अपने घर में जो है कैचिंग नेट बनाओगे, और उससे दोस्तों आप काफ़ी हद तक जो है वो काम करेंगी। तो आपको बताता हूँ कि कैसे जो है मैंने उसको बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने उसे। और तो देखिए आप, जैसा कि मैं अभी मेरे सेटअप के नीचे ही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरे घर में दोस्तों मच्छर जाली थी, एक पुरानी मच्छर जाली थी जो काफ़ी हद तक फट चुकी थी, तो उसको हमने फाइनली निकाल दिया था कि कभी ना कभी उसका कोई यूज़ करेंगे। तो आज फाइनली जो है उसका यूज़ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मच्छर जाली है, और ये जो स्क्वायर आप देख पा रहे हैं ये छोटा एक तार है, पतला मतलब एकदम पतला भी नहीं, एक थोड़ा मीडियम साइज़ का एक वो तार आता है, उस तार को दोस्तों, वो तार भी जो है हमारे पास में जो हम लोग, आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये जो यहाँ लगा हुआ है इससे थोड़ा मोटा है, आप मेरे टैंक पर भी देख सकते हैं, देखिए इस टैंक पर भी मैंने लगाया है क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही मौजूद था ये तार, तो वो मैंने यहाँ पर रस्सी ना लगाते हुए तार लगा दिया। और वही तार का दोस्तों मैंने क्या किया है, उसका ऐसा मैंने एक स्क्वायर बना के, आप देख सकते हैं स्क्वायर बना के जो है मैंने यहाँ से उसे जो है यहाँ पर उसके दोनों जो छोर लगा लिए, उसको तार से मैंने उसको जो है तार से कस करके मैंने दोस्तों, वीडियो को मैं बैक कैमरे में बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने बताया आपको कि ये मेरे घर की मच्छरदानी है, और ये जो तार है ये तार से जो है मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया है, ये स्क्वायर शेप जो है मैंने पेंचिस की मदद से बना लिया, और पेंचिस और कटर की मदद से, और उसको यहाँ से देते हुए उसकी जो दो डंडी है उसे दोस्तों मैंने यहाँ पर रख दिया, और इसको जो है मैंने तार से जो है उसको भी कस लिया, तो एक स्क्वायर शेप यहाँ पर मिल गया। और ये जो है ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी जिसको बोलते जो पलंग में लगाते हैं, बेड वेड में लगाते हैं, ये वो मच्छरदानी से दोस्तों ये मेरी मदर ने जो है देखिए इस तरीके से जो है इसको बना लिया है। तो ये जो है पूरी तरीके से जो है नेट का काम करेंगी इस तरीके से, और ये जो है दोस्तों ये सिंपल बांस है जो मैंने यहाँ वर्क किया था, आप देख सकते हैं उसी में से बचा हुआ ये एक बांस है, उसी बांस को मैंने सिंपल इतना बड़ा बांस ले लिया है, और बीच में दोस्तों कील की मदद से उसको मैंने लॉक कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटरलॉक जैसे मैंने किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, तो ये जो है दोस्तों मूव भी नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं मूव भी नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से बन चुका है। तो अगर हम कैचिंग नेट इसके लिए ले तो कैचिंग नेट का ख़र्चा दोस्तों बढ़ जाता है, वो भी 1000 से 2000 के बीच में कैचिंग नेट आती है, कम से कम 600-700 के तो ऊपर आती है जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये दोस्तों बग़ैर पैसे का जो ये वर्क है, हमें बस थोड़ी सी इसके लिए दिमाग लगाना होता है, तो आप जुगाड़ से जो है अपना काम कर सकते हो, और इससे भी जो है आपका खर्चा जो है दोस्तों बच सकता है। और आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेंगी, कैसे वर्क करेंगी।
पानी में डाल के बताता हूँ अभी दोस्तों। मछली तो नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मछली फीडिंग लेने ही नहीं आ रही है, तो इसमें कहाँ से आएंगी, क्योंकि फीडिंग जो है फिशेस ने काफ़ी कम कर दिया है। इस तरीके से जो है हम इसका देखिए, हम जैसे अगर फीड डालें तो हम ऐसा नीचे रख देंगे इसको, और जैसे ही फीड लेने मछली जो है फंस गया है, ये मछली जैसे ही जो है फीड लेने आती है तो उसको हम इस तरीके से जो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, ऐसा नीचे रख के जैसे ही फीड लेने आती है तो उसको इस तरीके से उठा के हम लोग अपना काम जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो ये अभी मैं जो फिशेस को पकड़ने के लिए इस नेट का यूज़ करने वाला हूँ, तो यही जुगाड़ का अपडेट आपको देना था दोस्तों कि आप भी इस तरीके से जुगाड़ करिए और अपने जो है पैसे जो है बचाइए बायफ्लॉक को करने के लिए। और ये भी वैसे ही काम करता है दोस्तों, जैसे आप कैचिंग नेट लोगे ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो यही थी एक और देसी जुगाड़। एक देसी जुगाड़ आप यहाँ देख सकते हैं, इमॉप कोन, ये देसी जुगाड़ आप देख सकते हैं, ये भी देसी जुगाड़ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए दोस्तों। और जिस भी भाई को बायफ्लॉक से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, उस व्हाट्सअप नंबर पर वो व्हाट्सअप करके अपने जो है सवाल कर सकते हैं, और ज़रूर मैं समय रहते उनका जवाब ज़रूर दूँगा। और जो भी मेरे भाई लाइवली जो है प्रैक्टिकल बायफ्लॉक के प्रैक्टिकल लर्न करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक डेट दी हुई है दोस्तों, उस डेट में आके जो है मैंने जो एक वर्कशॉप रखता हूँ उस वर्कशॉप में आके बायफ्लॉक को जो है प्रैक्टिकली जो है दोस्तों यहाँ पर आके सीख सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई बायफ्लॉक को लाइवली सीखना चाहते हैं तो वो मेरे फार्म में विज़िट दे सकते हैं, उसमें एक डेट दी हुई है, उस डेट को आइए। आने से पहले दोस्तों पहले एक बार व्हाट्सएप पर संपर्क जरूर करिएगा कॉल करके। तो यही थी आज की अपडेट।